वहां पर कारावास में किसी भी प्रकार का कोई पीड़न कोई वो नहीं होगा, पूरे सारी प्रकार की सुविधाएं जो अनुमन्य है, जैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था रहेगी वो होगा। तो अब मार्शल से मार्शल को आदेश है कि इन सब लोगों को यहाँ से ले जाएं। आज नियम 301 के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं दी गई सारी की सारी स्वीकृत हुई। यार इतनी बड़ी बात क्या दी। वित्तीय वर्ष 2023 पर आय व्यय के अनुदानों पर चर्चा एवं मतदान। माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, प्रस्ताव पढ़े। अध्यक्ष जी, सारे आप ही के विभाग के हैं, सब आप ही के विभाग के, तो आप सब एक साथ रख दीजिए। माननीय मंत्री जी, सब आपके विभाग है तो सब रख दीजिए, फिर उसके बाद अपना भाषण। सारे प्रस्ताव अगर आपके विभाग के हैं तो सब पढ़ दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी आज्ञा से शांत पीछे जाके बात करें, क्योंकि यहाँ पर बजट के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। प्रस्ताव करता हूँ 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10 कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग औद्यानिक एवं रेशम विकास के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए। तो बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में जो अदालत लगी उसके बाद दोषी पुलिस वालों को एक दिन की सजा का प्रस्ताव पास हुआ है। एक दिन कारावास मिलेगा, लॉकअप में रहना होगा पुलिस वालों को। 6 दोषी पुलिस वालों को कारावास की सजा मिली। दोषी पुलिस वालों को एक दिन की सजा का ऐलान हुआ है हाउस की तरफ से। विशेषाधिकार हनन अवमानना के मामले में 6 पुलिस वाले दोषी करार दिए गए और रात 12 बजे तक के कारावास की सजा का प्रस्ताव दिया गया है। इस दौरान किसी भी तरह का उत्पीड़न और जो सुविधाएं आमतौर पर मिली जानी चाहिए लॉकअप के अंदर, वो सभी सुविधाएं दी जाएंगी इन पुलिस वालों को। क्योंकि सारे जो यहां पर उपस्थित हैं इन्होंने माफी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण इनके व्यवहार उन्होंने क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक, क्योंकि सारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं इन्होंने माफी मांगी है और इनको उदारतापूर्वक अपनाते हुए, नहीं तो पुरानी जो समिति थी उन्होंने इनके निलंबन का भी प्रस्ताव किया था, इनका और बहुत गंभीर दंडों का प्रस्ताव किया था, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री और इस सदन का मंतव्य है क्योंकि इनके आचरण इनके व्यवहार उन्होंने क्षमा चाहिए, इसीलिए इनको एक